एवरीवन, हम लोग अपना सेशन नंबर 11 कर रहे थे जो कि था लिंकिंग द सेल इन मल्टीपल वर्कबुक। पहले इस सेशन को ब्रीफ कर लेते हैं। इस सेशन में क्या बताया हुआ है, अगर हमारे पास दो वर्कबुक्स प्रेजेंट हैं और उन वर्कबुक में एक वर्कबुक का कंटेंट हम दूसरी वर्कबुक से लिंक करके अगर शो कराना चाहते हैं तो ये वाला सेशन हमारे यूज़ में आता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि ऐसा कब नीडेड होता है, तो वो उस जगह पर नीडेड होगा जहाँ पर बहुत डेटा बहुत बल्की है और उस बल्की डेटा को आप इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उस डेटा का कंटेंट दूसरी वर्कबुक में लेना चाहते हो लिंक करके, तो उस जगह पर ये वाला लिंकिंग सेशन काम आता है। सपोज़ देखते चलिए, मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक ली है जिसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स में डेटा एंटर कर दिया है। ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। अब मुझे दूसरी वर्कबुक भी लेनी है क्योंकि लिंकिंग करने के लिए हमारे पास दो वर्कबुक होनी चाहिए। लिंकिंग करने के लिए मैंने एक न्यू वर्कबुक ली है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रही है, ये अपने पास आ गई। बुक 3 ले ली है मैंने, ऑलरेडी वर्कबुक 2 यूज़ कर ली थी। बुक 3 हमारे पास आ चुकी है, प्रेजेंट हो चुकी है। अब हमने क्या किया, बुक 3 को यहाँ से मिनिमाइज़ कर लिया। आप यहाँ से बुक 3 को मिनिमाइज़ करके रख सकते हैं, जैसा कि आपको दोनों वर्कबुक्स दिखती रहेंगी। तो ये तो हो गई हमारी सोर्स वर्कबुक, और यहाँ पर हम लोग अपना डेटा का लिंक देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें लिंक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आप सब लोग देखिए, सपोज़ कीजिए मैं सिंपल फॉर्मूला लगा रही हूँ। मैंने लिखा इक्वल सम, वर्कबुक 1 के कंटेंट को मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने किया ब्रैकेट स्टार्ट, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, और हमारे पास वो कौन सा था, बुक 1 जिससे हम लोग डेटा लेना चाहते हैं। बुक 1 बिग ब्रैकेट क्लोज, देन बुक 1 में कौन सी शीट पर काम हो रहा था, शीट 1 एक्सक्लेमेटरी साइन, देन डॉलर साइन, और डॉलर लगाने के बाद जिस रेंज से हम डेटा स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए A1 वाली रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं बुक 1 में, तो हमने लिखा डॉलर साइन ए लिखा, और वापस से हमने कैपिटल A लिख लेते हैं A, और वापस से हमने लगाया $1, ठीक है। उसके बाद कॉलन, क्योंकि हमें पूरी रेंज लेनी है, A से लेकर D तक की रेंज लेनी है, तो हम वापस से करेंगे $D, वापस से $, और डी के कौन सी, डी का भी कौन सी रो, 1 1, देन प्रेस ब्रैकेट, देन एंटर। हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं डाला, वर्कबुक 1 का डेटा सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर लिंक किया है, ठीक है। तो होप सो कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेकंड टॉपिक जो है वो है ब्रेकिंग वर्कबुक लिंक। ब्रेकिंग वर्कबुक लिंक एक और चीज कि अगर आप स्विच करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप व्यू ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही हम व्यू ऑप्शन पर जाते हैं तो व्यू ऑप्शन पर आपके पास स्विच विंडो ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जंप कराते हैं। जैसे अपन ने बुक 3 किया, हमारे पास वर्कबुक 3 आ गई, आप वापस से व्यू ऑप्शन पर गए। अगर हम लोगों ने बुक 1 किया तो हम लोग वर्क 1 1 वाली वर्कबुक पर हैं ही ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 वाली वर्कबुक ले आते हैं, ओके। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ब्रेकिंग वर्कबुक लिंक, सपोज कीजिए हमने लिंक बना दिया है और हम इस वर्कबुक के लिंक को कैसे डिस्ट्रॉय कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास जिस वर्कबुक पे हमने लिंक किया है उसे हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। वर्कबुक 3 पे हम लोगों ने लिंक किया था, इस पर लिंक करने के बाद हम लोग डेटा पर क्लिक करेंगे, डेटा टैब पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डेटा टैब आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन वाले टैब में एडिट लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये वर्कशीट 1 और वर्कबुक 1 से लिंक हुआ पड़ा है। आप यहाँ करेंगे ब्रेक लिंक, ये आपसे पूछेगा आप सच में लिंक तोड़ना चाहते हैं, हम करेंगे ब्रेक लिंक यस, देन क्लोज इट, ओके। तो ये सेशन में हम लोगों ने दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लिंकिंग भी कर लिया और लिंकिंग को कैंसिल भी कर दिया है। होप सो दोनों टॉपिक आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। टैब सेटिंग वाला वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को,
तो दोनों ही वीडियोस अच्छे से देख लें, अगर कोई डाउट है तो हम लोग कल इस डाउट को क्लियर करेंगे. ओके, कंप्लीट योर वर्क एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.